देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। हरियाणा का मतलब धरनों का प्रदेश हो गया है। आए दिन धरने होते रहते हैं, सरकार से आश्वासन मिलता रहता है और फिर धरना खत्म हो जाता है। अब सूबे की स्टाफ नर्सों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो सरकारी नौकरियों में वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए विरोध कोई नया नहीं है, लेकिन बात अगर हरियाणा की हो, प्रदेश भर की स्टाफ नर्स अब आंदोलन पर उतर आई हैं। पहले काले बिल्ले लगाकर विरोध और अब कैंडल मार्च करके सरकार को ये बताने की कोशिश में लगे हैं कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन हर चार दिन पर धरने शांत करवाने में लगी मनोहर सरकार के पास लगता है कि इन मांगों की ओर ध्यान देने का टाइम ही नहीं है। अस्पतालों में लोगों की जिंदगी बचाने में साथ देने वाली महिलाएं, डॉक्टरों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने वाली महिलाएं, डॉक्टर्स के निर्देश पर लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने वाली महिलाएं और मरीजों का एक बच्चे की तरह ख्याल रखने वाली महिलाएं अब आंदोलन की तैयारी में है। ये महिलाएं कोई और नहीं बल्कि सूबे के अस्पताल में काम करने वाली स्टाफ नर्स हैं, जिन्होंने 5 मार्च को काले बिल्ले लगाकर स्टाफ नर्सों ने विरोध किया तो लगा कि उनकी मांगों पर कोई ध्यान देगा। लेकिन वेतन विसंगतियों को दूर करने और प्रमोशन के मामले के समाधान की मांग कर रही स्टाफ नर्सों की मांगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो अब कैंडल मार्च के जरिए विरोध जताने की कोशिश की जा रही है। सीएम सिटी करनाल समेत स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले अम्बाला में स्टाफ नर्सों ने काले बिल्ले लगाकर सांकेतिक आंदोलन की शुरुआत की तो लगा कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री उनकी गुहार को सुन लेंगे, लेकिन लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तो अपने और विभाग के कामों में ही व्यस्त हैं। तभी तो स्टाफ नर्स ने सरकार पर ये भी आरोप लगाया है कि काफी समय से सरकार से उनकी बात चल रही है लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया है और तब से वो मांगे पूरी कराने की मांग कर रही है। दरअसल स्टाफ नर्सों की मांगे कोई इतनी बड़ी नहीं है जिसे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और सीएम साहब पूरा न कर पाए, ऐसा खुद उन स्टाफ नर्सों का कहना है। ऐसे में उनकी मांगों पर गौर करें तो वो केंद्र कर्मचारियों के समान वेतन देने की मांग समेत कई मांगों पर अड़ी है। केंद्र कर्मचारियों के समान वेतन देने की मांग, नर्सिंग अलाउंस 7,200 रुपए देने, जोखिम भत्ता 5,300 रुपए देने की मांग, वॉशिंग अलाउंस 1,800 रुपए और ग्रेड 4,600 रुपए की मांग, केंद्र की तर्ज पर पदनाम बदलने की मांग, प्रमोशन पॉलिसी बनाए जाने की मांग, फिलहाल 25 से 30 साल तक कोई प्रमोशन नहीं होता, बीएससी और एमएससी नर्सिंग को अतिरिक्त वेतन देने की मांग, 2 साल के सेवाकाल के बाद नर्सिंग स्टाफ को कंफर्म करने की मांग, स्टाफ नर्स को डिलीवरी करवाने संबंधित प्रोटोकॉल बताए जाने की मांग, खाली पड़े पदों को भरने की भी मांग की जा रही है। तो ये तमाम मांगे हैं जो इन स्टाफ नर्सों ने उठाई हैं। स्टाफ नर्सों की मांग पर सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जाना कोई नया नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये है कि सरकार तभी जागती है जब एक्सटेंशन लेक्चरर की तरह प्रदर्शनकारी सीएम आवास और विधानसभा का घेराव के लिए कूच करने लगते हैं और किसानों की तरह लोग सड़कों पर उतर आते हैं। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेंद्रगढ़ से सुशील कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, ये जो स्टाफ नर्सेज हैं, इन्होंने हल्ला बोल दिया है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं? जी, आज वो अपने 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर और जो उनकी वेतन विसंगतियां है उनको, उन सभी मांगों को लेकर महेंद्रगढ़ के सिविल हॉस्पिटल के अंदर एकत्रित होकर या प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद वो कैंडल मार्च करते हुए शिक्षा मंत्री आवास पर पहुंचेंगे और अपनी 10 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र उनको सौंपेंगे। हाँ, तो सुशील विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी मांगे हैं क्या, किन मांगों को लेकर अड़े हुए हैं ये? इनकी मांगे ये है कि जो 7वां वेतन आयोग है वो इनको ऊपर लागू किया जाए और जो भत्ते हैं जो केंद्र के समान इनको भत्ते दिए जाए। हाँ। इन सभी मांगों को लेकर पूरे जिले की जो नर्सिंग स्टाफ है। हाँ। वो यहाँ सारा एकत्रित होगा और कैंडल मार्च निकालकर शिक्षा मंत्री आवास पर पहुंचेगा। लेकिन सुशील, इससे पहले भी इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है और सरकार से इनकी बातचीत भी होती आई है, तो अभी तक कोई समाधान निकल पाया इनकी समस्या का?
नहीं, अभी तक इनका कोई समाधान नहीं निकला है, लेकिन इस बार ये आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं। हाँ। ये कह रहे हैं कि हम इस प्रकार से हल्ला बोलेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे कि अब इस बार इनकी मांगे मान ली जाए, इस तरीके का ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, तो पहले काले बिल्ले लगाकर इन्होंने प्रदर्शन किया, अब कैंडल मार्च करके ये सरकार को जगाने की कोशिश करेंगी। जी, ये सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं और इनका मानना है कि ये जो मंत्री हैं, मंत्री के आवास तक पहुंचे। अभी तो इनका ये शांत प्रिय प्रदर्शन है, अगर सरकार अब भी नहीं मानती है तो इस प्रदर्शन को दूसरा रूप भी दिया जाएगा। चलिए सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र मोंगा भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, स्टाफ नर्सेज की आखिर मांग क्या है, क्या कुछ उनका कहना है? मांगों की बात की जाए तो वेतन संख्या को लेकर उनकी जो मुख्य है, जो मांग है, उनका कहना है अभी छठे वेतन जो छठे वेतन आयोग की जो वेतन संख्या थी वही उनकी दूर नहीं की गई, और अब सातवें वेतन संख्या को लेकर लगातार वो संघर्ष कर रही है, लेकिन उसको लेकर सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, और यही कारण है कि अब जिला स्तर पर जो है आज कैंडल मार्च निकालकर उनकी ओर से विरोध जो जताया जाए। हाँ, तो जितेंद्र, इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर अपना विरोध जाहिर कर चुकी हैं, प्रदर्शन कर चुकी हैं, अब कैंडल मार्च के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश की जाएगी, तो सरकार से लगातार इनकी बातचीत भी चल रही थी इस मसले को लेकर, क्या कोई समाधान निकल पाया अभी तक, कोई बातचीत हो पाई? जी, सरकार से अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, और यही जो कॉल अब इनकी ये कैंडल मार्च को लेकर रही है, और उसके बाद अगर मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन को लेकर भी इनकी ओर से जो आगामी नीति जो बनाई जानी है, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है अभी अपनी मांगों को लेकर जिस प्रकार से अन्य जो कर्मचारी हैं लामबंद नजर आ रहे हैं, उसी प्रकार से नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारी भी लामबंद होते नजर आ रहे हैं। जी जितेंद्र, विस्तार में जानना चाहेंगे आखिर इनकी मांगे हैं क्या? इनकी मांगों की बात की जाए तो प्रेस नोट इन्होंने मीडिया में जारी किया, उसके अंदर वेतन विसंख्यों का ही जो मुख्य मुद्दा इनका रहा है, उनका कहना है भी छठी वेतन विसंख्या से दूर नहीं की गई, और जो सातवां वेतन आयोग है नर्सिंग स्टाफ की जो जायज मांगे हैं उसके अंदर उन्हें भी जो पूरा नहीं किया जा रहा, और इसको लेकर कई बार वो सरकार से लिखित रूप में भी ज्ञापन जो है वो सौंप चुके हैं। जितेंद्र, तो आश्वासन इन्हें नहीं मिल पाया है, सरकार से बातचीत कोई नहीं हो पाई है, तो आक्रामक मोड में अब ये है कैंडल मार्च ये निकालने वाली है सरकार को जगाने के लिए, अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए। यह साफ तौर पर कैंडल मार्च फतेहाबाद में निकाला जाना है शाम का समय, इसके लिए जो डिसाइड किया जा रहा है, और विरोध स्वरूप ये कैंडल मार्च जो है ये निकाला। तो जितेंद्र, रणनीति अगर जानना चाहें, क्या कुछ इनकी रणनीति रहने वाली है अगर कैंडल मार्च के बाद भी सरकार इनकी बातों की तरफ, इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती है, उन्हें नहीं पूरा करती है? तो देखिए, नीति की बात की जाए तो फिलहाल इनकी कैंडल मार्च की काल है, उसके बाद ये इनका कहना है अभी मीटिंग करके निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि प्रदेश स्तर पर ही जो समितियां हैं वो है, और प्रदेश स्तर पर जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें साथ में जोड़ा जाएगा, और एक प्रदेश व्यापी जो है वो खड़ा करने की बात नर्सिंग स्टाफ कह रहा है। जितेंद्र, स्टाफ नर्सेस से आपकी बात हो पाई है क्या, उनका क्या कुछ कहना है? उनका साफ तौर पर यही कहना है अभी जिस प्रकार से सरकार को लगातार वो अपनी मांगों को लेकर अवगत करवाते रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, यही कारण है अभी विरोध को जता रही है, और वो आगामी जो आंदोलन तेज करने की बात साफ तौर की ओर से भी कही जा रही है। जितेंद्र, स्वास्थ्य मंत्री तक भी अपनी बात पहुंचाने की बहुत बार कोशिश की गई कि वो उनकी मांगों को सुने, उनकी मांगों को पूरा करें, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इनकी मांगों को लेकर अभी तक सामने आई है? अभी तक जो साफ नर्स का कहना है मीडिया में तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन साफ नर्स का यही कहना भी आश्वासन ही सरकार की ओर से लगातार दिए जा रहे थे, और अब अंतिम वर्ष सरकार का ही आ चुका है, और यही यही कारण है भी जो कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जो 3-4 सालों से लगातार ज्ञापनों का दौर चल रहा था। हाँ। अब आंदोलन की जो कर रहा है। तो जितेंद्र, कह सकते हैं कि सरकार पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न उठ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से एक्सटेंशन लेक्चरर हैं वो प्रदर्शन करते नजर आए, गेस्ट टीचर्स अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आए हैं, और अब स्टाफ नर्सेज भी अड़ चुकी हैं अपनी मांगों को लेकर। यह साफ तौर पर जो कर्मचारी है लामबंद नजर आ रहे हैं, आशा वर्कर कही जाए, आंगनबाड़ी वर्कर कही जाए, मिड डे वर्कर यूनियन कही जाए, कही जाए, साफ तौर पर जो अंतिम वर्ष है सरकार के लिए सशक्त बनने वाला है, क्योंकि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काफी जो है गुस्से में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंतिम वर्ष जितेंद्र, जिस तरीके से आपने कहा, लेकिन सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आए दिन जो प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, और जिनकी तरफ से प्रदर्शन किए जाते हैं, चाहे स्टाफ नर्सेज की हम बात करें, अब ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। कहीं ना कहीं सरकार की कमी कही जा सकती है, इंटेलिजेंस की कमी हो सकती है ये, और अगर लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं तो उन पर उन्हें विचार करना चाहिए, उन्हें बुलवाना चाहिए, और हो सकता है अब इस प्रकार से कैंडल मार्च करके ये ध्यान सरकार का आकर्षित अपनी मांगों की तरफ करना चाह रही है, और हो सकता है सरकार की ओर से इन्हें इसके लिए बुला लिया जाए। चले जितेंद्र, बने रहिए। सुशील शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुशील, फिलहाल अगर स्टाफ नर्सेस की बात की जाए तो उनका क्या कुछ कहना है, कैंडल मार्च वो निकालने वाली हैं? सुशील, आवाज मिल पा रही है आपको? इसी के साथ रोहतक से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सुरेंद्र।
सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? स्टाफ नर्सेस अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं, कैलेंडर मार्च उनकी तरफ से निकाला जाएगा, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, लगातार प्रदेश भर की जो स्टाफ नर्सेज है वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार अपनी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पिछले उन्होंने 2-3 तक काले अपने बैचेस लगा के प्रदर्शन किया था और साथ में उनका कहना था कि सरकार उनकी जो मांगे हैं उन नहीं मान रही है और जिसके चलते वो लगातार आंदोलन की तरफ बढ़ रही हैं। और साथ में जिस तरह से उनकी मांग है कि उनका जो रिक्त अलाउंस है वो दिया जाए और साथ में जो उनका पदोन्नति की बात है, पद को लेकर है, वो सरकार से बातचीत होनी थी लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी 2 दिन की जो जिस तरह स्ट्राइक बातचीत नहीं की किसी भी सरकार के अधिकारी या नेता ने, तो उनके इसको लेकर काफी रोष है और आगे की जो रणनीति है वो जल्द से जल्द घोषणा करके आंदोलन की घोषणा करेंगे। मांगों को पहुँचाया गया है, अगर पहुँचाया गया है तो क्या उनकी तरफ से कोई जवाब इनकी मांगों को लेकर आया है अभी तक? जी, अभी तक सरकार की तरफ से जो स्टाफ नर्सेस एसोसिएशन है उनकी कोई अभी तक बातचीत नहीं हुई है। लगातार वो सरकार के संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक जो उनकी मांगों को लेकर सरकार की कोई बातचीत नहीं, ना एक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है, जिसके चलते वो काफी रोष में है। और जिस तरह से प्रदेश भर में जो नर्से है वो अलग अलग तरह से अपना अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस जगह कैंडल मार्च भी निकालेंगे आज। बिल्कुल, तो अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, रोष अपना जाहिर किया जा रहा है मांगों को लेकर, अब कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। तो अभी तक कह सकते हैं कि शांत तरीके से, शांत स्वरूप ही अपनी बातों को, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती, इनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तो क्या इनका प्रदर्शन उग्र हो सकता है? जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि सरकार से लगातार वो बातचीत के पक्ष में है लेकिन सरकार उनकी बातचीत नहीं मानेगी तो मांगों को लेकर, तो वो निश्चित काल के हड़ताल पर जाने के लिए विवश हो जाएंगे और आने वाले समय में जो इसी के साथ सुरेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। जिला प्रधान स्टाफ नर्सेस की सुशीला देवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। हेलो सुशीला जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। जी नमस्कार सुशीला जी, स्टाफ नर्सेस जो हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं, क्या कुछ उनकी मुख्य मांगे हैं? मैं सुशीला कौशिक, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महेंद्रगढ़, नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन से बोल रही हूँ। जी, आज कैंडल मार्च करके ज्ञापन दे रहे हैं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के माध्यम से सीएम हरियाणा के नाम। हमारे प्रमुख मांगे हैं, हमारा ग्रेड पे केंद्र की तर्ज पर 2500 रुपए बढ़ाकर 2450 रुपए किया जाए। जी। नंबर 2, हमें केंद्र की तरफ से 7200 रुपए नर्सिंग अलाउंस दिया जाए। नंबर 3, हमारी जॉब को रिस्क की जॉब घोषित करके 5300 रुपए रिस्क अलाउंस दिया जाए। नंबर 4, हमारा वर्दी भत्ता 1150 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए किया जाए। नंबर 5, हमारा पदनाम केंद्र की तरफ पर नर्सिंग ऑफिसर किया जाए। नंबर 6, हमारे वर्क ऑफ जॉब को निर्धारण किया जाए। नंबर 7, हमारी प्रमोशन लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी की जाए। नंबर 8, हमारे मेवात में कार्य करने वाले साथियों को मेवात भत्ता दिया जाए। नंबर 9, 2 वर्ष के सेवा के बाद स्टाफ नर्स को कंफर्म किया जाए। नंबर 10, हमारे डीएनए डिप्लोमा ट्रेनिंग लड़कियों को पीएचएन को पद पर प्रमोशन दिया जाए। हाँ। तो सुशीला जी, आपकी कुछ मुख्य मांगे हैं जो आप सरकार के सामने रख रही हैं और आपका कहना है, जितनी भी स्टाफ नर्सेज है उनका कहना है कि इन मांगों को पूरा किया जाए। क्या अभी तक स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात कर ली जाए, उनसे बातचीत हुई है आपकी, उनकी तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला हो कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है जी, हम कम से कम 6-7 बार मिल चुके हैं 7-8 साल से, हम कंटिन्यू डीजी ऑफिस जा रहे हैं फिर भी हमारी कोई मांगों को सुनवाई नहीं कर रही, हमें टका दिया जाता है। तो सुशीला जी, क्या कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार की ही कहीं ना कहीं कमी है, आपकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा? अभी तक आप शांत स्वरूप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाला जाएगा, इससे पहले काले बिल्ले लगाकर आपने अपना रोष जाहिर किया है, तो प्रदर्शन और उग्र हो सकता है अगर सरकार ने आपकी मांगों को नहीं माना? बिल्कुल जी, सारी नर्सिंग एसोसिएशन में, सारे ऑल हरियाणा में हमारे स्टाफ नर्सों में इतना तगड़ा रोष है कि वो स्ट्राइक तक जा सकती हैं। जी, तो सुशीला जी, अब कैंडल मार्च जो है वो निकाला जाएगा, अपनी मांगों को उठाया जा रहा है लगातार, तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहती है अगर कैंडल मार्च के बाद भी सरकार नहीं जागती है, आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है? तो आगे हम मीटिंग करके फिर लड़कियों से डिसीजन लेके आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं जी, जल्दी। जी
चलिए सुशीला जी, बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो तमाम अपडेट हमारे संवाददाताओं ने हमें दी है और जो स्टाफ नर्सेज हैं उनकी मांगों को लगातार उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़ी हुई हैं क्योंकि उनकी मांगों की तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा। सातवें वेतन आयोग में शामिल होने की उनकी तरफ से बात की गई है। कई मुख्य मांगे हमने आपको बताई कि क्या कुछ उनकी मुख्य मांगे हैं, उसके बावजूद अभी तक सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और अब उनका कहना है कि वो कैंडल मार्च करेंगी और अगर इसके बावजूद भी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, उनकी मांगों को नहीं मानती, तो इसके बाद उनका जो प्रदर्शन है, आंदोलन है, वो और उग्र हो जाएगा। मालगाड़ी रेलवे पटरी पर सरपट दौड़ रही थी। मालगाड़ी में गेहूं के कट्टे भरे हुए थे और उसकी रखवाली करने वाले चैन की नींद सो रहे थे। इन सभी के बीच मालगाड़ी के पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले ही गेहूं की बोरियां उतार ली गई और जब हंगामा मचा तो न चोर दिखाई दिए न चोरी करने वाले, जिसके बाद सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर लापरवाही किसकी है। तो हरियाणा के गोहाना में मालगाड़ी से गेहूं के कट्टे उतार लिए गए और रेलवे प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी और अब एफसीआई और रेलवे विभाग के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर लापरवाही किसकी है। ये तस्वीरें भारतीय खाद्य निगम खाद्य संग्रहालय गोहाना की है जो खुद खाद्य पदार्थों के संग्रह के प्रति जिम्मेवार नहीं लगता। देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखे एफसीआई को ऐसा लगता है जैसे इसकी बिल्डिंग खुद जर्जर हालात में है। फिर ये खाद्य पदार्थों का संग्रह कैसे करेंगे और इससे बड़ी लापरवाही रेलवे विभाग की है जिसे खुद पता नहीं होता कि उसकी मालगाड़ी में लूट सामान कब और कहां उतर जाए। गोहाना जंक्शन के रेलवे पटरी के किनारे पड़े गेहूं के बोरियों की तस्वीरों को देखिए। इन बोरियों को किसी ने मालगाड़ी से उतार लिया है। बोरियां पश्चिम बंगाल पहुंचाई जानी थी लेकिन ठेकेदार का कहना है कि उससे पहले ही इसे किसी ने उतार लिया। माल है और रात को हमने ट्रेन लोड करवाई, यहाँ से निकल गई थी और यहाँ आगे कट्टे गिर गए सारे, ये किसी ने कट्टे उतारे गए। पुलिस आई हुई है, सरकारी सरकारी आप भारतीय खाद्य निगम का माल है ये। तो कितने कट्टे रात को लड़के गए? यहाँ रात को 65,000 कट्टे लड़के गए हैं। अब कितने पड़े हैं देखते हैं, दुर्लभ अभी देख रहे हैं कितने हैं, कितने नहीं, मेरे पास तो फोन आया, अभी जाके देखते हैं कितने। रेलवे की तरफ से एक यही लापरवाही नहीं हुई है बल्कि ट्रैक के पास मौजूद एफसीआई के कर्मचारी से सुनिए कि रेलवे विभाग के अधिकारियों ने सूचना मिलने के बाद क्या किया। अब गोहाना के एफसीआई विभाग के अधिकारी अनूप सिंह से पूरी बात समझिए जो रेलवे पर इसका ठीकरा फोड़ रही है। अनूप सिंह का कहना है कि गोहाना से एफसीआई विभाग ने सरकारी गेहूं के 65,794 कट्टे मालगाड़ी से पश्चिम बंगाल भेजे थे लेकिन गोहाना में बोरियां उतार ली गई। इसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे विभाग की बनती है। हालांकि रेलवे पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है और जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कह रही है। रेलवे पुलिस जांच की बात कर रही है और एफसीआई रेलवे पर इसका ठीकरा फोड़ रहा है लेकिन इन सभी के बीच मीडिया के सामने अब लोग बोलने से बचते दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इसमें किसी की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोहाना से हमारे संवाददाता सुनील जिंदल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, मालगाड़ी से गेहूं के कट्टे उतार लिए जाते हैं, किसी को भनक नहीं लगती, आखिर लापरवाही किसकी है? बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं ना कहीं रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही है क्योंकि जो सारा मामला है रेलवे के अंडर में है। क्योंकि देखिए जो गेहूं था वो एफसीआई विभाग का गेहूं था, उसने जो है अपना काम कर दिया क्योंकि 65,000 कट्टे उन्होंने जो है एफसीआई के जो तो है वेस्ट बंगाल भेजने थे और जिसके चलते जो है उन्होंने अपने लोडिंग सरकार के जो रेलवे विभाग के अधिकारी है उनके सपूत कर दिया और उन्होंने अपनी गिनती करवा दी। और इतना ही नहीं, जो माल को तुलवा कर और उसकी जो डब्बों की सीलिंग करवा कर जो है यहाँ से ट्रेन को
देर रात करीब 12 बजे के आसपास जो है रवाना कर दिया था। उसके बाद जो है पूरी जो कार्रवाई रेलवे विभाग द्वारा की जानी थी, क्योंकि देखिए पूरा मामला अब रेलवे विभाग के अंडर में आ जाने के चलते अब रेलवे विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले में कोई स्पष्टीकरण बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह पूरा जो आरोप है वो रेलवे विभाग के अधिकारियों पर लगा है। रेलवे प्रशासन इस बात पर कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में अब जब रेलवे विभाग के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो रेलवे विभाग का प्रशासन और जो पुलिस विभाग के अधिकारी है वो कहीं ना कहीं पूरे मामले में बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बड़ा लापरवाही का मामला है। क्योंकि अगर 60 गड्ढों की ट्रेन में 65,000 से भी ज्यादा कट्टे जो है यहाँ विभाग अक्षय विभाग द्वारा जो है वेस्ट बंगाल भेजे गए थे, उसके बाद डब्बों की जो है सीलिंग विभाग द्वारा की जाती है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं गोहाना से निकलते ही जो है अज्ञात लोगों ने जो है डब्बे का जो सीलिंग खोली है, उसके बाद डब्बों से कट्टे को जो है बाहर फेंका गया है। कहीं ना कहीं रेलवे विभाग की ही लापरवाही है इस पूरे मामले में, और अब जो है विभाग इस लापरवाही को लीपापोती करने में जुटा हुआ है, क्योंकि मीडिया के सामने अब कोई भी अधिकारी स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं किया। रेलवे विभाग की तो लापरवाही है ही है, एफसीआई और रेलवे विभाग के बीच आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में अगर बात करें तो रेलवे जीआरपी के जो अधिकारी है वो अब एफसीआई पर टिकड़ा थोप रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब उन्होंने लोडिंग करवाकर माल भेजा गया था तो उनके तरफ से उनके पास कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग द्वारा जो है जानकारी दी जाती है और पूरा जो मामला है रेलवे विभाग के अंडर में होता है। रेलवे विभाग को स्पूत करने के बाद, सीलिंग करने के बाद ही जो है आगे टाइमिंग सेट होती है, उसके बाद जो गाड़ी को यहाँ से रवाना किया जाता है। लेकिन अब जो पूरे मामले में मीडिया में खबर आने के बाद जो है दोनों विभाग के अधिकारी एक दूसरे विभाग पर ठिकड़ा बोल रहे हैं, मीडिया से कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आ रहे हैं, लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो रेलवे ट्रैक पर सैकड़ों बोरियां जो है गेहूं की वो मिली है, और इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर लापरवाही किसकी है, क्योंकि किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी है। उसके बाद एफसीआई और रेलवे विभाग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन अपनी लापरवाही मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। रेलवे विभाग भी, रेलवे प्रशासन भी इस पर कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।